हेलो, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक छोटा सा रिएक्शन करेंगे एक वीडियो पे, और मैं इस बात में इंटरेस्टेड हूँ कि इरम आपका इस चीज़ के बारे में क्या ख्याल है, क्योंकि ये एक गाना है जो मैंने आज अपनी गाड़ी में सुना था। मैंने इसका वीडियो अभी तक नहीं देखा, लेकिन इसमें एक बहुत ख़ास चीज़ थी। मैं ये देखना चाहता हूँ कि आप भी वो चीज़ नोटिस करती हैं या नहीं। okay. लेकिन हो सकता है आपने पहले वीडियो देखा हो, लेकिन मैंने कम से कम ये वीडियो नहीं देखा। लेकिन चलिए पहले वीडियो देखते हैं, तो फिर उसके बाद बात करेंगे। ये कोक स्टूडियो का है बाय द वे। अच्छा, ये पश्तो है? ये बलोची जुबान है। ये बलोची है। अच्छा ठीक। ये कोक स्टूडियो में ये बहुत पसंद है कि ये यानी कि ऑथेंटिक होता है ना, और बहुत ज़्यादा डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं। लेकिन पॉलिश नहीं है ना, जो ओरिजिनल है जो है वो है। ये मुझे चीज़ बहुत पसंद है। जो ये बैकिंग सिंगर्स भी हैं, जैसे कि अपने वो अपने ट्रेडिशनल कपड़े पहन कर खड़े हुए हैं। तो ये बलोची फोक म्यूजिक है ना? अब मेरे ख्याल वो पार्ट आने वाला है जिसके जिसका मुझे इंतज़ार है। अच्छा? जो ख़ास पार्ट है। ये देखें, ये नॉर्वेजियन है। नॉर्वेजियन फोक म्यूजिक की तरह है। ये लड़की भी मेरा नॉर्वेजियन ही है। अच्छा, इस इंस्ट्रूमेंट को हारिंग फेले कहते हैं ना। ये नॉर्वेजियन एक पहाड़ी इलाका है, उसकी एक खास किस्म की वायलिन है। ये टिपिकल यानी पुराने जमाने का नॉर्वेजियन फोक म्यूजिक है। यहाँ पे जो रॉयल हयात है ना, जो प्रोड्यूसर हैं, मेरे ख्याल वो ये दिखता है कि कितने वो जीनियस हैं, क्योंकि ऐसा इनकॉर्पोरेट किया कि बिल्कुल नेचुरल लगता है कि वाकई इस गाने का ये हिस्सा था। बिल्कुल, फोक म्यूजिक की यही तो बात है कि डिफरेंट जो जगह हैं दुनिया में, उनका अपना अपना फोक म्यूजिक होता है, लेकिन फिर भी उनमें कोई एक चीज होती है जो मिलती जुलती होती है। बिल्कुल, फोक म्यूजिक में कुछ कॉमन होता है। जी, ओके, एंजॉय कर अपना गाना। वाह, जबरदस्त।
मुझे बहुत पसंद है कोक स्टूडियो का, तो मैं हमेशा से फ़ैन रहा हूँ जब से पहला सीज़न आया था, और ख़ास तौर पे जितने भी गाने रोहेल हयात ने प्रोड्यूस किए हैं ना वो बहुत ज़बरदस्त, उनके जो जो म्यूज़िकल उनकी थिंकिंग है ना और कंपोजिशन और मुख्तलिफ ये इंस्ट्रूमेंट्स मिक्स करना, बिल्कुल मुझे याद है जब वो वाइटल साइंस में भी होते थे तो मुझे बस उनके गाने बहुत अच्छे लगते थे। वाकई जो रोहेल हयात की जो अपनी एक साउंड है, बिल्कुल, जो बहुत मतलब नए तरीकों से वो पुराने इंस्ट्रूमेंट्स और नए इंस्ट्रूमेंट्स और पूरी दुनिया के जो डिफरेंट स्टाइल्स हैं उनको एक ही गाने में वो इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं। बिल्कुल, और मुझे ये बात बहुत अच्छी लगती है। एक तो बात ये है कि इस तरह जो हमारे पुराने गाने हैं जो शायद लोग भूल चुके थे, इस नए अंदाज में लाने से अब वो फिर लोग उनको सुन रहे हैं, उनको एंजॉय कर रहे हैं, जो अपना कल्चर है उसको पहचान रहे हैं, अपनी तारीख को पहचान रहे हैं। और दूसरी ये बात है कि चूँकि ये पूरी दुनिया से मुख्तलिफ म्यूजिशंस को इकट्ठा करते हैं, मैंने देखा और गाने हैं जिनमें तुर्की से म्यूजिशंस थे बीच में, यहाँ पर लगता है स्कैंडिनेविया शायद नॉर्वे से भी आए हैं, तो ये भी बहुत अच्छी बात है कि म्यूज़िक जो है ना खासतौर पर हमारा म्यूज़िक पूरी दुनिया को आपस ला रहा है, और यानी कि दोस्ती बढ़ रही है, लोगों में प्यार मोहब्बत बढ़ रही है, और ये भी बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल, और हमें भी अपने जो मुल्क में जो डिफरेंट रीजन्स हैं उधर की जो जुबानें और जो गाने का स्टाइल और वो कुछ हमें भी नज़र आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जैसे कि ये बलोची गाने, सिंधी गाने, पश्तो में जो गाने हम सुनते आए हैं बचपन से वो बेसिकली उर्दू और पंजाबी के थे, क्योंकि जो मेन कल्चर पाकिस्तान में चलता है वो उर्दू और पंजाबी है, लेकिन इतनी मुख्तलिफ ज़ुबानें हैं और उनमें उनके अपने अपने इतने खूबसूरत गाने और इतना अच्छा कल्चर है, और इस कोक स्टूडियो की वजह से वो भी हम अब इंजॉय कर रहे हैं, उनको पहचान रहे हैं। तो मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा, ये एक्चुअली मेरे भाई नईम ने मुझे भेजा था। अच्छा। मैंने पहले नहीं सुना। अच्छा। और वो कह रहा था कि ये देखिए गाना सुनो, इसमें कोई ये नॉर्वेजियन म्यूज़िक आ रहा है, तो अच्छा। तो मैंने सुना और मुझे भी मैं ये सोच रहा था कि शायद बाकी पाकिस्तान में कुछ इलाकों में ऐसा म्यूज़िक है जो बिल्कुल नॉर्वेजियन म्यूज़िक से मिलता अच्छा। जुलता है, लेकिन अब जो मैंने वीडियो देखा है तो मुझे पता लगा कि वाकई इन्होंने बीच में नॉर्वेजियन म्यूजिशंस इनकॉर्पोरेट किए हुए थे। तो बहुत मज़ा आया, उम्मीद है आप लोगों को भी ये गाना पसंद आया होगा, और कोक स्टूडियो में तो इस तरह के बहुत सारे गाने हैं, तो आप प्लीज़ जाके उनके चैनल को भी आप देखिए, सपोर्ट करें, लाइक करें, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, तो हम फिर किसी और दिन आपके साथ आके बातें करते हैं। ओके, खुदा हाफिज़।